हाय, आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। रीज़न भाई, सेमेस्टर चल रहा है। एनीवेज, आज वाली वीडियो होने वाली एक थ्योरी वीडियो, एंड ओरिजिनल थ्योरी के साथ हम वापस आ गए हैं तुम्हारा आंड खाने। मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट, थ्योरी चैप्टर 1071 से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली 1071 तक अगर रीड नहीं किया है तो प्लीज़ भाई इधर से निकल जाओ। एंड जिन्होंने रीड किया है भाई, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, वरना मैं क्विट करने का प्लान ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? तो या लेट्स बिगिन। तो लेटेस्ट चैप्टर 1071 में हमने देखा कि पंक 3, 4 एंड वेगा पंक ने एक एलाई का मेंशन किया। मेंशन किया भाई, वेगा पंक ने तो उससे बात तक किया और उससे हेल्प भी मांगी। तो हु इज़ दिस एलाई? इसी एलाई के आइडेंटिटी पे मेरी ये थ्योरी होने वाली है। एक ऑफ टॉपिक बात, तो ये वीडियो को मैं अब इसलिए भी ला रहा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था ऑफिशियल चैप्टर के रिलीज़ होने का, ताकि मैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे सामने अपनी थ्योरी के पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकूँ। एनीवेज, बैक टू द थ्योरी। तो हु डू यू थिंक दिस एलाई इज? दिस एलाई इज समवन जिसके बाहर आने से वर्ल्ड गवर्नमेंट इस एलाई के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, विच मीन्स कि दिस एलाई इज इन सम वे एन एनिमी फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। एट फर्स्ट आई थॉट कि मे बी दिस एलाई इज समवन लाइक गबान। आई मीन बाई Gabaan was a member of Roger Pirates. He knows about the entire history. He is definitely someone जिसके against world government पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये Gabaan है तो फिर इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि Vegapunk को अभी तक भाई इसने void sensor के बारे में already बता दिया होगा। आई मीन देखो, Gabaan यहाँ पे छुप रहा है। अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये Gabaan है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि Gabaan यहाँ पे छुप रहा है। तो उस छुपने के लिए भाई Vegapunk ने भाई सौदा वौदा तो किया ही होगा ना कि हिस्ट्री बता फिर छुपाऊंगा मैं तेरे को करके। एंड Gabaan छुपेगा ही क्यों, राइट? लाइक भाई क्यों, ज़रूरत ही क्या है उसको छुपने की? एंड Gabaan क्यों ही मानेगा Vegapunk जैसे की बात, राइट? मतलब इस पैनल में एज यू कैन सी कि ये जो एलाई है ये Vegapunk की ऑर्डर को माना है, Gabaan मानेगा ही क्यों? दिस सेम थिंग अप्लाइज फॉर कैरेक्टर्स लाइक Shiki टू, विच इज़ वाई आई थिंक ये अलाई कोई ऐसा है जो कि इन अ वे कनेक्टेड है Vegapunk से, प्लस ये एनिमी है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये Vegapunk के अड्डे में रह रहा है। इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ एकदम परफेक्टली फिट हो सकता है, एंड दैट इज़ एक लूनेरियन। अब मैंने बक तो दिया है कि ये अलाई एक लूनेरियन है, लेकिन ऐसा क्यों? वेल ऑब्वियसली आई हैव माई रीजन्स। पहला, दिस विल एक्सप्लेन अस कि कैसे Vegapunk ने इतना एक्यूरेट दिखने वाला सेरेफिम बनाया। सेरेफिम से रिलेटेड अभी तक हमें जितना इन्फो मिला है उसके हिसाब से वी कैन गेस कि शायद Vegapunk ने सेरेफिम को लूनेरियन जैसा उनके लीनियस फैक्टर को यूज़ करके बनाया है जो कि उसे मिला था जब वो पंख हजार में पहले लूनेरियंस पर एक्सपेरिमेंट करता था। बट अगर अभी भी एक लूनेरियन जिंदा है एंड वो Vegapunk के साथ है, तो ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन देखे Vegapunk इजिली एक एक्चुअल लूनेरियन को वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुपा सकता है। इसके अलावा अगर तुम सोचने जाओ तो ये एलाई के लूनेरियन होने के चांसेस बहुत कम नहीं है, क्योंकि अगर ये लूनेरियन निकलता है देन इट विल एक्सप्लेन कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने आने से वर्ल्ड गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ जाएगी। आई मीन वर्ल्ड गवर्नमेंट लूनेरियंस को थ्रेट मानती है भाई, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बाउंटी सेट कर रखा है उन्होंने लमाओ। दिस विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि CP0 से लड़ने के लिए ये एलाई इतनी जल्दी कन्विंस कैसे हो गया, एंड द वे ही /शी सेड कि ही विल हेल्प, इट साउंडेड एज इफ ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द Vegapunk's ऑर्डर्स। साउंडेड क्या भाई, उसने ऐसा खुद बोल दिया ऑलरेडी। मे बी दिस इज बिकॉज लूनेरियंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रेड लाइन से भगाया था, इसलिए ये पॉसिबल लूनेरियन एक पर्सनल ग्रज रखता है अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। मे बी दिस अलाई इज हैप्पी कि अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के टट्टों को Vegapunk के अड्डे से हटाएगा। एंड हाँ, अगर ये अलाई लूनेरियन निकलता है देन इट विल एक्सप्लेन कि Vegapunk सिर्फ इस अलाई पर ही क्यों रिलाई कर रहा है। लूनेरियंस आर फकिंग स्ट्रॉन्ग भाई, किंग जैसे के स्ट्रेंथ को देख के वी कैन से कि एक लूनेरियन शायद से पूरे CP0 को अकेले संभाल ले, एंड इसलिए Vegapunk सिर्फ इस एलाई पे डिपेंडेंट है अभी के टाइम पर। बट देन एक क्वेश्चन इससे दिमाग में आता है कि Vegapunk के पास लूनेरियन कैसे है, ये लूनेरियन इस पे कहाँ से आया, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में क्यों नहीं पता? वॉट आई थिंक इज कि जब किंग काइडो के साथ भागा था तब किंग को शायद लगा था कि ही इज़ द लास्ट लूनेरियन। बिग मॉम ने याद है किंग को बोला था कि उसके स्पीसीज का लास्ट है किंग। अगर बिग मॉम को ऐसा लगता था, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी तो मोस्ट लाइकली लगता ही होगा ना ऐसा। शायद से किंग को खुद भी ऐसा लगता था, बट मे बी ही वॉज रॉन्ग। Vegapunk 36-38 साल पहले सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लूनेरियंस पर वर्क कर रहा था शायद। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा केस है तो ये लूनेरियन Vegapunk के साथ क्यों है? वॉट आई थिंक कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस लूनेरियन नोज कि Vegapunk उसके लिए थ्रेट नहीं है। बेस्ड ऑन वॉट वी नो अबाउट Vegapunk, ही इज़ अ गुड गाय।
रिगार्डलेस ऑफ जितने भी हगाप मचाया है उसने, दिल का अच्छा है बंदा। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद से ये लूनेरियन भी 36 साल पहले किंग के एज के अराउंड ही था। उस टाइम जैसे किंग काइडो के थ्रू इन्फ्लुएंस हो गया था और उसके लिए कट्टर लॉयल हो गया था, वैसे ही शायद से ये लूनेरियन वेगापंक के लिए लॉयल हो गया। एंड वेगापंक ने शायद इसको प्रॉमिस भी किया कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, एंड ही वॉज कीपिंग हिज प्रॉमिस टिल नाउ। वेगापंक मे बी समहाउ मैनेज्ड टू हाइड दिस लूनेरियन फ्रॉम वर्ल्ड गवर्नमेंट टिल नाउ। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, Why didn't this so-called Lunarian approach King? Because it's stupid as fuck. वही, ना केवल ये अपने आप को दुनिया के सामने ला देगा, बट क्योंकि इस इमेजिनरी लूनेरियन का आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अलग है किंग से, अलग के भाई पूरा उल्टा ही है। इसको पता है कि किंग के पास ये गया तो उल्टा किंग इसको मानने मोड़ने की कोशिश करेगा, एंड अगर ये एलाई एक्चुअल में एक लूनेरियन निकलता है तो आई एम डैम श्योर कि लूनेरियन स्पीसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, लाइक उनका रोल हिस्ट्री में, रेडलाइन में क्या करते थे वो, कब उनको भगाया गया वहाँ से, उनके पीछे का फायर एंड ऑल। तुम्हें ये चीज़ कभी अजीब नहीं लगी कि लूनेरियन जिनका सिग्निफिकेंस स्टोरी में बहुत है, वेट यू ऑल अग्री विथ मी राइट कि लूनेरियंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है? अगर नहीं तो ये चीज़ जान जाओ, ठीक है, कि लूनेरियन स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है वन पीस वर्ल्ड में। तो इस इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ पे ओडा लाइट डालेगा ही कैसे अगर कोई लूनेरियन बचा ही नहीं होगा? वानों में अगर हमें लूनेरियंस के बारे में सब चीज़ पता चल जाता ना तो मैं चीज़ कभी सोचता ही नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ। लूनेरियन स्पीसीज़ को ओडा ने वानों से एज अ मिस्ट्री रखा है अभी तक, तो शायद इस मिस्ट्री से रिलेटेड इन्फो देने के लिए अब इस एलाई जो कि मेरे हिसाब से एक लूनेरियन है, इसको ओडा ने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे अगर किंग अभी तक मर गया है तो शायद से ये इमेजिनरी लूनेरियन लास्ट लूनेरियन है। बाय द वे, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि वेगापंक एक लूनेरियन को क्यों ही बचाएगा, आई रिसर्च पर्पस, सिंपल एज दैट, एंड दैट्स इट, हो गया खत्म। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस एलाई? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आई थिंक मेरे जैसे ही बहुत लोगों ने भी इस एलाई को एज अ लूनेरियन गेस कर ही लिया होगा। वेल, कुछ हफ्तों में हमें पता चल ही जाएगा कि मेरा ये थ्योरी सही हुआ कि नहीं। सही हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आदत हो गई है लमाओ। चलो मैं जा रहा बुकवर्म बनने, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।